हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर टू। हम लोगों ने चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर लिया है, तो जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके वीडियो देख लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू, अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स समरी। इसकी जो समरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, हनी कॉम बुक के अंदर से है ये चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर है सेवन्थ क्लास का, अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स। इसमें स्टार्ट कर देता हूं मैं आपको। सोल ऑफ द चैप्टर, मृदु गोज टू रुकूस मनीज हाउस। मृदु एक युवा लड़की है, ठीक है ना, जो कि मृदु रुकमणि के घर जाती है, ठीक है ना। मधु इज यंग गर्ल लिविंग विथ हर ग्रैंड मदर टापी एंड ग्रैंड फादर तथा इन चेन्नई। मृदु गोज अलॉन्ग विथ टापी टू हर आंट रुकुमनीज। रुकमणि प्लेज वन आफ्टरनून देयर, शी मेट्स हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एवरीवन एट रुकमणि हाउस वॉज ग्लैड टू सी मृदु। देयर वॉज अ थिक बैटर बरी बुश इन देयर बैकयार्ड। रवि टुक हर बिसाइड दैट देयर वॉज अ स्मॉल लिटिल किटन इन साइड अ टॉर्न फुटबॉल। अ स्मॉल क्रिएचर वॉज बिजी ड्रिंकिंग मिल्क विथ वॉज कैप्ड इन साइड अ हाफ शेल ऑफ अ कोकोनट। मृदु एक युवा लड़की है जो चेन्नई में अपने दादा तथा दादी के तापी के साथ रहती है। एक बार दोपहर में तापी के साथ मृदु अपनी चाची रुकमणि के घर जाती है, ठीक है, अपनी चाची के घर जाती है। वहां अपने चचेरे भाई बहन लल्ली, रवि, मीना से मिलती है, ठीक है। रुकमणि के घर पर मृदु को देखकर सभी खुश थे। रवि मृदु को घर पिछवाड़े में ले गई, मतलब पीछे के बैकयार्ड में ले गई, ठीक है। और रवि मृदु के पिछवाड़े में ले गई जहां पर एक कड़वे बेर की घनी झाड़ियां थी। जहां पर क्या था, एक कड़वे बेर की घनी झाड़ियां थी। एक फटे फुटबॉल के अंदर वहां पर एक छोटी सी बिल्ली थी। वह छोटा सा जीव दूध पीने में व्यस्त था, यानी कि जो बिल्ली थी वो किस में व्यस्त था, दूध पीने में, ठीक है। और जो वो दूध कहाँ पर पी रहा था, जो एक नारियल के आधे छिलके में रखा गया था, ठीक है। द किटन, मीना इन्फॉर्म्ड मृदु दैट दे हैव फाउंड द किटन आउटसाइड देयर हाउस इन द मॉर्निंग ऑफ दैट डे, बट दे मस्ट कीप इट एज अ सीक्रेट, अदरवाइज द ग्रैंड मदर विल लीव देयर हाउस इमिडिएटली, ठीक है। तो जो बिल्ली थी, मीना ने मृदु को बताया कि उसे यह बिल्ली सुबह के समय घर के बाहर ही मिली थी, पर उन लोगों को यह बात गुप्त रखनी थी, नहीं तो दादी घर से तुरंत चली जाती। रवि वॉज अपसेट दैट दे वर बीइंग थॉट टू बी अ काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, बट वैन ही वॉज ट्राइंग टू डू सो एल्डर वर स्क्रीमिंग एट दैम कॉलिंग द किटन अ डर्टी क्रिएचर। रवि इस बात से दुखी था कि बड़े लोग जानवर पर दया दिखाने की सीख देते हैं, पर जब वह ऐसा करना चाहते हैं तो बड़े लोग उस पर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बिल्ली को एक गंदा जानवर कहते थे। His grandmother was suspicious while he was taking out milk for the kitten from the kitchen. He had to drink more than one half of the milk to make her believe that it was for him. उसकी दादी को तभी शक हो गया था जब वह रसोई घर से बिल्ली के लिए दूध लेकर जा रहा था। यह विश्वास दिलाने के लिए दूध वह अपने लिए ले जा रहा है, उसे आधे से ज्यादा दूध स्वयं ही पीना, मतलब खुद ही पीना पड़ा था। उसने ही ऑल्सो टोल्ड मृदु दैट दे हैव नेम्ड द किटन एज महेंद्रन। मृदु लव द नेम बिकॉज इट साउंडेड रियल, अनलाइक दोज क्यूट वन यू कीप फॉर द किटन। रवि फर्दर एडेड दैट इट्स कंप्लीट नेम वॉज महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनी एंड एमपी पूनी इन शॉर्ट। उसने मृदु को बताया कि उन लोगों ने बिल्ली का नाम महेंद्र रखा है। मृदु को यह नाम काफी पसंद आया क्योंकि यह नाम सच्चा सा लगता है और उन प्यारे नामों से बिल्कुल अलग था जो
इस प्रकार के जानवरों के लिए रखते थे। रवि ने आगे बताया कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, जिसे संक्षेप में यानी कि जिसे अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या था, आई एम पी पुनी इन शॉर्ट। रवि ही इन्फॉर्म्ड हर ही कुड मेक इट फॉर्म इट्स फर दैट इट वॉज अ फाइन ब्रीड कैट अ क्लोज रिलेटिव ऑफ लायन फैमिली लाइक द वन दैट पल्लवा किंग्स यूज इन देयर एम्बलम टू हिज मृदु गिगल्ड विच इंस्टेक्टेड रवि टू प्रूव हिज नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री फर्दर ऑन हिज स्कूल ट्रिप ऑफ महाबलीपुरम ही हैड सीन स्टैच्यू ऑफ लायन एंड ही फर्मली बिलीव्स दैट इट वॉज एंसेस्टर ऑफ द किटन ही प्राउडली अनाउंस्ड दैट ही हैज स्मॉल किटन इज descended of Mahabalipuram Rishi cat, he reminded Mridu of cats being worshipped in ancient Egypt. The believed it to be a descendant of cat goddess Bastet. रवि ने मृदु को बताया कि उसे यह नाम कैसे दिया था। उसने बताया कि इसके रोए से कहा जा सकता है कि एक उम्दा नस्ल की बिल्ली है। रोए मतलब रोए बोल सकते हैं हम लोग उसके बालों से, ठीक है ना। एक बहुत ही ज्यादा नस्ल कास्ट की बिल्ली है, शेना ब्रीड की बिल्ली है तथा शेर के परिवार के करीबी संबंधी है। यह शेर वैसा ही है जैसा पल्लव वंश के राजा अपने प्रतीक के तौर पर लगाया करते थे। इस पर मृदु खिलखिलाकर हंसी उठी। ठीक है, तो रवि थोड़ा उत्तेजित यानी गुस्सा हो गया और उसे इतिहास के अपने ज्ञान को साबित करना पड़ा। अब देखिए क्रीच की आवाज, क्रीच की नॉइज। रवि वॉज बिजी इन मेकिंग ऑल प्राउड अनाउंसमेंट अबाउट हिज किटन व्हेन अ वियर्ड साउंड क्रीच। रवि अपने बिल्ली से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट कर रहा था कि तभी आई केम फ्रॉम अ विंडो, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ठीक है ना, जो थी क्रीच सुनाई दी। यह आवाज आई केम फ्रॉम अ विंडो, यह आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। मृदु डर गई थी, मृदु वॉज शॉक्ड वाइल महेंद्रन वॉज फिटीन, महेंद्रन जम्प्ड विथ फियर ऑन ट्राई और रेड चिलीज कैप्ट अंडर द सन फॉर ड्राइंग। मृदु डर गई थी और तथा महेंद्र भी डर गया था। डर की इस वजह से महेंद्र उछल कर एक थाली पर चढ़ गया जिसमें लाल मिर्च धूप में सुखाने के लिए रखी गई थी। विद द क्रीचिंग नॉइज कंटिन्यूइंग ऑन द बैकग्राउंड मृदु इंक्वायर्ड दैट इट वॉज, रवि इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज अ लली लर्न टू प्ले विथ वॉयलन। मृदु पीप्ड फ्रॉम द विंडो एंड शी फाउंड लल्ली वॉज होल्डिंग द वायलिन इन एन ऑकवर्ड पोजिशन सिटिंग अ बिट अवे फ्रॉम हर म्यूजिक टीचर हु हैड हिज बैक टूवर्ड द विंडो। रवि ने उसे बताया कि लल्ली विलियन वायलिन बजाना सीख रही है और यह आवाज वहीं से आ रही है। मृदु ने खिड़की से झांककर देखा तो लल्ली ने वायलिन की अजीब तरीके से पकड़ रखा था और वह अपने जो म्यूजिक टीचर थे उससे थोड़ी सी दूर बैठी थी जिनकी पीठ खिड़की की ओर थी। टीचर जो थे उनकी पीठ जो थी वो विंडो की ओर थी। द टीचर वॉज बेल्ड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक hair falling around his ears. There was gold chain in the neck and ring on his hand. He had a big toe. He had a big toe with which he was thumping the ground. He was playing the notes perfectly on the violin while Lally was struggling hard. His tracks were filled with melody with Lally continued missing the note.
शिक्षक जो थे उनके के सर पर कुछ ही काले बाल बचे थे जिनमें तेल लगा हुआ था और वह कानों के लंबे थे, कानों तक लंबे थे। गले में सोने के हार तथा हाथ की अंगूठियों में अंगुली में अंगूठी भी थी। उनके पाँव का अंगूठा बड़ा था और वे इसे जमीन पर धीरे धीरे पटक रहे थे। शिक्षक वायलिन पर बड़ी आसानी से धुन बजा रहे थे जबकि लल्ली धुन बजाने के लिए संघर्ष भी कर रही थी, यानी कि उसको एफर्ट लगा रही थी। शिक्षक के गाने की जो शिक्षक थे, ठीक है ना, वो बहुत सही धुन बजाई थी और शिक्षक के गाने मधुरता से भरे हुए थे, यानी कि बहुत अच्छे गा रहे थे वो, और लल्ली पर हर बार धुन सही नहीं बजा पा रही थी। अपने स्कूल की ओर से जब मल्ली महाबलीपुरम की यात्रा पर गया था तो उसने शेर की एक मूर्ति देखी थी और उसने, ठीक है ना, और द बैगर Children having fun peeping with from the window when Rukumani called Ravi to send the beggar away. She was fed up with the beggar coming to the place for a week now and wanted him to find another house. The beggar had made himself comfortable at the garden. He was leaning against the neem tree with his upper cloth spread under it. He was about to snooze when he heard Ravi asking him to leave. He was shocked hearing this and called for lady of the house, and irritated Rukmani told Ravi that there was not anything left in the kitchen and asked the beggar not to come again. बच्चे खिड़की से झांकते हुए मजा कर रहे थे, तभी माँ ने रवि को बुलाया और भिखारी को भगाने के लिए कहा। वह अब तंग आ गई थी। भिखारी की हर सप्ताह उनके घर पर आता था और इसी वजह से वह चाहती थी कि भिखारी अब कोई और घर खोज ले। भिखारी बगीचे में जाकर आराम से बैठ गया था। वह नीम के एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। उसने अपने कपड़े को बिछा रखा था। वह झपकी लेने ही वाला था कि उसने रवि को उसे वहां से जाने को कहा कहते हुए सुना। यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने वहीं उसी वक्त घर के मालकिन से मिलना चाहा। चिड़ी हुई रुक्मणी ने रवि से कहा कि रसोई घर में आने के लिए कुछ भी नहीं है तथा भिखारी को यहां दोबारा कभी न आने को कहा। Her voice was so loud that Ravi did not have to repeat her words to the beggar. The beggar told them that he would leave the after taking rest for a while. It was too hot outside and there were blisters in his feet. The children were in pain seeing this and started making plans to give him chappals. उनकी आवाज इतनी तेज थी कि रवि को वह शब्द आखिरी भिखारी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। भिखारी ने उन्हें बताया कि इस जगह पर थोड़ा आराम करके वहां से चला जाएगा। बहुत तेज गर्मी होने के कारण पैरों में फफोले हो गए थे। ये सब देखकर बच्चों को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने एक जोड़ी चप्पल उपहार स्वरूप देने के लिए निर्णय किया। अब चैपल्स और चप्पल, ठीक है ना, मैंने भी प्रोनाउंसिएशन करा था चैपल्स, ठीक है ना, इसको हम लोग चप्पल भी बोल सकते हैं, बोलेंगे। रुक्मणी वॉज रियली एंग्री एंड मृदु कुडंट कंट्रोल एनीमोर दैट शी टोल्ड हर दैट दे हैव गिवन द म्यूजिक टीचर चप्पल्स टू द बैगर। रुक्मणी वेंट इनसाइड द ब्रॉट गोपू मामाज न्यू चप्पल्स एंड गेव दैम टू द म्यूजिक टीचर। द टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग टू द न्यू चप्पल्स बट स्टिल प्रिटेंटेड एज दो इट वॉज दो टफ फॉर हेम टू एक्सेप्ट दैम। मृदु को ध्यान था कि रवि का घर पर आई थी कि वह जब वो गरीब रवि घर पर आई थी तो उसे घर के बाहर भूरे रंग की एक जोड़ी पुरानी चप्पल दिखी थी। उसने रवि से पूछा कि चप्पल किसकी है। रवि ने चप्पल उठाकर उस भिखारी को दे दी और उसे दोबारा यहाँ पर न आने को कहा। भिखारी चप्पल पहनकर वहां से उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। अब संगीत शिक्षक के जाने के समय हो चुका था। वह अपनी चप्पल खोज रहे थे। उन्होंने लल्ली को बुलाया और सभी को मिलकर चप्पल खोजने के लिए कहा गया, पर चप्पल कहीं पर भी नहीं मिली। लल्ली ने रुक्मणी को बताया कि उन्होंने चप्पल को पूरी चप्पल दे दी है, चप्पल उठाते हुए देखा है, ठीक है, और चप्पल उठाते हुए देखा है
रुक्मणी द लविंग मदर द टीचर कॉल्ड रवि अ मंकी एंड इनक्रेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान विच सीम्ड क्लियर दैट रुक्मणी डिडंट लाइक शी वॉन्टेड टू द टीचर लीव इमीडिएटली आफ्टर ही फ्लैफ्ट शी कॉल्ड द टीचर कॉ चिल्ड्रन होम एंड ऑफेंड दैम सम स्नैक्स शी थैंक्ड गॉड दैट गो टू द ऑफिस इन चप्पल्स बट नीडेड दैम आफ्टर कमिंग होम इमीडिएटली शी वंडर्ड वॉट शी विल call will tell him giving a hint that she will take a blame on herself. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इसका लास्ट है. रुक्मणी एक प्यारी मम्मी. शिक्षक ने रवि को एक बंदर कहा, भगवान हनुमान की प्रकृति, जिससे स्पष्ट था कि रुक्मणी को यह पसंद नहीं आया था. उन्होंने शिक्षक को तुरंत वहां से जाने को कह दिया. जब वह चले गए तो उन्होंने बच्चे को घर के अंदर बुलाया और उन्हें थोड़ा नाश्ता करने के लिए कहा. उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि गोपू मामा चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं जाते हैं, पर दफ्तर से लौटकर उन्हें इसकी जरूरत होती है. उन्हें लग रहा था कि वह उन्हें क्या कहेगी और उन्होंने इस घटना का आरोप अपने ऊपर लेने पर का फैसला किया. तो स्टोरी थोड़ी सी अच्छी थी, ठीक है ना. कन्फ्यूजन भी था थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी थी. हम लोगों को ये स्टोरी के अंदर आप लोगों को इसके वर्ड्स मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे, याद करने हैं, ठीक है ना. और बहुत ज़्यादा इजी, अगर आप लोग इसकी वर्ड्स मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना. तो आज के लिए बस ये स्टोरी काफ़ी है. अब मैं इसकी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF फॉर्म के अंदर दे दूंगा. और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.